जय हिंद बच्चों। सो आज हम करने वाले हैं फोर्स बिटवीन डाइपोल्स, या इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कि हम दो डाइपोल के बीच में कैसे फोर्स निकाल सकते हैं। तो उसमें से एक केस है जब डाइपोल पैरेलल होते हैं, तो दिस इज पैरेलल, ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके। सो हम इन दोनों केसेस में डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा एक केस और है कि डाइपोल जब परपेंडिकुलर होते हैं, उसको मैं सेपरेटली डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो हम ये दो केस करते हैं कि डाइपोल में कैसे फोर्स फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला केस ये हो गया। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि डाइपोल की वजह से फील्ड कितनी होती है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस केस। सो हम निकालते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल ये होती है माइनस पी ई कॉस थीटा, एंड इफ वी डिफरेंशिएट दिस पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर, वी विल गेट फोर्स। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पहले जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी फोर्स ये भी इस पे लगाएगा। बट इट इन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो व्हाट आई विल डू कि मैं किसी एक केस निकाल लेता हूं, जैसे मैं निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 निकालता हूं। तो मैं लिखूंगा डाइपोल मोमेंट 2 का 1 की फील्ड में, कि 2 का निकाल रहा हूं मैं 1 की वजह से, मतलब 2 पे 2 का डाइपोल मोमेंट और 1 की फील्ड, कि 1 की फील्ड में 2 रखा हुआ है, बिकॉज फील्ड दूसरे की होगी तभी तो निकाल सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस आर है, तो इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है। एक्सिस पे फील्ड कितनी होती है, फील्ड ये होती है 2kp/r³। डायरेक्शन क्या होती है, पी के अलोंग होती है। अगर ये पी है तो पी इस तरफ है, तो यहां फील्ड भी इस तरफ ही होगी। तो पुट कर लेते हैं माइनस p2 2kp1/r³ cos 0 डिग्री, बिकॉज थीटा होता है पी और ए के बीच में, तो पी भी आ गया, इसकी फील्ड भी आ गया, तो एंगल जीरो हो गया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। अब मुझे फोर्स निकालनी है, फोर्स होता है माइनस d/dr, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2kr³ होती है r³ - नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस। तो x की पावर n है, n x n minus 1 is equal to minus 6k p1 p2/r⁴। So this is the case कि यहाँ ज़्यादा 6k p1 p2/r⁴। तो ये formula involved है, साथ में ये बात कि जो force है वो r के 4 के proportion है, जो distance होंगे बीच में उसकी power 4 के proportion है। Normally जो force है ये r स्क्वायर के पोर्शनल होती है, अगर आप दो पॉइंट चार्ज की बात करो तो, लेकिन यहाँ पे ये r स्क्वायर नहीं, r की पावर 4 है। सो ये केस है जब डाइपोल उसके एक्सिस पे रखा हुआ है, ये अलग केस कि यहाँ पे डाइपोल जो है वो एक ऊपर एक ऊपर। फिर से वही करते हैं केस 2। सो फिर लिखते हैं p2 e1 cos थीटा। अच्छा, अब इसकी वजह से फील्ड कितनी होती है यहाँ पे, तो फील्ड ये इक्विटोरियल पॉइंट है, यहां फील्ड होती है kp/r³, साथ में फील्ड का होती है हमेशा p के अलोंग होती है, मतलब यहां पे अगर फील्ड निकालोगे तो फील्ड भी ऊपर ही आएगी, चेक कर सकते हैं। और फॉर्मूला ये होगा, तो माइनस p2 इवन हो जाएगा फिर से cos 0 डिग्री, तो cos 0 इवन हो जाएगा, फिर से इवन आ गया, फिर से कर ले डिफरेंशिएट d/dr से। सो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आर क्या माइनस 3, तो हो जाएगा 3kp1 p2/r⁴। सो यहां भी अगर देखें तो यहां पे 3 आ रहा है कोफिशिएंट, लेकिन जो पावर है इसकी वो 4 आ रही है। और So this is about this formulas. तो पावर 4 है, तो ये यहां पर 6 है, यहां पर 3 है। एंड सो नेक्स्ट केस है जिसमें हम डाइपोल परपेंडिकुलर होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए दो केस काफी, समझ लें इसको कैसे ड्राइव किया हमने इसको, और मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि आपको कंटेंट कैसा लगा मेरा, और कोई डाउट अगर इसमें तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।